अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर ऑफ ए लेंस, क्वेश्चन नंबर 13। डिफाइन एंड एक्सप्लेन पावर ऑफ ए लेंस, डिफाइन एंड एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंस क्वेश्चन नंबर 13 है। और इसमें सबसे पहले ये बोल्ड करना वो भूल गए हैं, ये डेफिनेशन है हमारे पास, जो इस वक्त मैंने बोल्ड किया है ये डेफिनेशन है। जो हमें फार्मूला नीचे नजर आ रहा है उसको अगर हम देखें तो लिखा हुआ है पावर कैपिटल पी, ये पावर का सिंबल कैपिटल पी होता है, पावर कैपिटल पी इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ इन मीटर्स। यही बेसिकली पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन है। लिखा हुआ है पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, यानी कि फोकल लेंथ लेंस का मालूम हो उसका 1/ कर दें तो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास पावर ऑफ लेंस कहलाती है। मैथमेटिकली वी कैन राइट पावर ऑफ लेंस पी इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मीटर्स में लेंगे लाजमी। उसके बाद यूनिट है पावर ऑफ लेंस का, जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर है, उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 3 लाइंस जो हैं ये यूनिट के साथ आएंगी। आप देख सकते हैं ऊपर वाले फार्मूले में अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उस वक्त पावर ऑफ लेंस जो होगी उसका जवाब 1 आएगा, यानी कि 1 डायोप्टर होगा। तो डायोप्टर की डेफिनेशन भी यही है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, और 1 डायोप्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/मीटर। 1/मीटर का मतलब मीटर ऊपर चला गया तो पावर उसकी -1 होगी, तो 1 डायोप्टर बराबर हो गया 1m-1 पावर, जैसा कि दरमियान में लिखा हुआ है 1 डायोप्टर 1m-1 पावर। लास्ट 3 लाइंस जो हैं इसके ऊपर आप हेडिंग डालेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव पावर, नेगेटिव और पॉजिटिव पावर। अब पावर ऑफ लेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, वो कैसे? हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बारे में हमने पढ़ा था और प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ा था। कन्वेक्स लेंस का चूंकि प्रिंसिपल फोकस जो है हमारे पास रियल था, ठीक है, और जो दूसरा था कनकेव लेंस उसका प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी था, इसलिए हमारे पास जो है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिवली जाती है, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ चूंकि वो इमेजिनरी है तो वो हमेशा नेगेटिवली जाती है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो ऊपर वाले फार्मूले में हम देख सकते हैं अगर पॉजिटिव होगी तो कैपिटल पी का जवाब प्लस में आएगा, और अगर नेगेटिव होगी तो कैपिटल पी का जवाब नेगेटिव में आएगा। इसीलिए ये 3 लाइंस में लिखा हुआ है बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि रियल प्रिंसिपल फोकस है उसका, देयरफॉर इट्स पावर इज आल्सो पॉजिटिव। वेयर इज द पावर ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव, फॉर इट हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है इसलिए जो है उसकी पावर भी हमेशा नेगेटिव आती है। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था पावर ऑफ लेंस, डिफाइन एंड एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंस।